नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर विपक्षी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी का सफाया करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब जेडीयू का सफाया जल्द ही देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि वो एक समय पर सिर्फ और सिर्फ राजद के दरबारी बनकर रह जाएंगे। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, पहले आप वो सुने। आज भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के जयंती पर समर्पण दिवस मनाती है और जो दीनदयाल जी ने सपना देखा था अंत्योदय का, कि हर आखिरी व्यक्ति को सरकार से मदद मिलनी चाहिए, उस काम को जीवंत रूप में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 3.5 करोड़ गरीबों के मकान बना के हर घर में शौचालय, बिजली, गैस और मुफ्त का अनाज पहुंचा करके दीनदयाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने को जो भी शिक्षा मिलती है समाज को काम करने की, वह दीनदयाल जी के सिद्धांतों से ही मिलती है। कांटी में जो हत्या हुई है, सीधे सीधे उसका FIR हटा करके और पुलिस ने अस्पताल में कर दिया है। मैं सारे कागज के साथ आपको 12:30 बजे उसका सबूत रखूंगा। आज जिस तरह से जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष की हत्या हुई है, उससे लग रहा है कि लक्ष्य जो है वह जदयू के भी सभी नेताओं की हत्या करके जदयू को भी साफ कर देने का है। और उसके बाद माननीय ललन जी राजद के दरबारी रहेंगे या क्या रहेंगे, या ललन जी तय करेंगे। सुना आपने संजय जायसवाल ने बिहार में हो रहे अपराध घटनाओं पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि विपक्षी बीजेपी का सफाया करने में लगी हुई है, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। जिस तरह से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ सोचने की जरूरत है। इसी के साथ साथ ललन सिंह पर भी तंज कसते हुए दिखे हैं संजय जायसवाल और कह दिया है कि एक समय पर राजद के दरबारी बन के रह जाएंगे ललन सिंह। आगे और क्या कुछ कह रहे थे संजय जायसवाल, वो आपने सुना। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।